आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम नीवा टोडवाल है और मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। आज आप सभी के समक्ष हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रथम चरण में मैं क्या प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल ये विद्यालय के अतिरिक्त कोचिंग संस्थानों का बहुत चलन हो रहा है, लेकिन आजकल हर कोई विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में जाने लग गया है, क्या ये उचित है? तो मेरा उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि इन कोचिंग संस्थानों की वजह से विद्यार्थी बहुत दबाव में आ जाते हैं और अनेक बीमारियों के शिकार बन जाते हैं और मानसिक तनाव में आ जाते हैं। ये कोचिंग संस्थान असमानता भी बढ़ाते हैं क्योंकि इनका शुल्क बहुत महंगा होता है जो हर कोई नहीं उठा पाता है। ये कोचिंग संस्थान विद्यार्थी को विषय को रटने और परीक्षा देने की रणनीति पर ज्यादा जोर देते हैं, बल्कि इन्हें विद्यार्थी को आलोचनात्मक सोच प्रदान करनी चाहिए और हर विषय की गहराई समझानी चाहिए। इन कोचिंग संस्थानों की वजह से छात्र समय का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, खुद पर आत्मविश्वास नहीं कर पाते हैं और आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि खुद पर आत्मविश्वास करिए, अपने आप से ही आत्मनिर्भर बनिए और पूरी एकाग्रता के साथ मन लगाकर विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त कीजिए। आखिर में मैं आप सभी लोगों को एक उदाहरण द्वारा एक संदेश देना चाहूंगी। शिक्षा का असली मूल्य तभी समझा जाता है जब वे विद्यार्थी को सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करती है, ना कि केवल रटने की। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को मेरी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हेल्प मी टू गेट द सिल्वर प्ले बटन। थैंक यू।